हाय गाइस, मैं हूँ सबा एंड यू आर वाचिंग हिंदुस्तानी चटोरे। आज मैं बात करने वाली हूँ घी के ऐसे 7 फायदों के बारे में जिसे सुनने के बाद आप घी को ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि घी में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उसे इतना हेल्दी बनाती है। तो उसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, ई, के। उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है और उसमें ब्यूट्रिक एसिड भी पाया जाता है। तो यही सारी चीज़ें उसको इतना हेल्दी बनाती है। तो चलिए हम इसके एक एक फ़ायदे भी देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, घी इज़ गुड फॉर हार्ट हेल्थ। घी में ऐसे बहुत सारे हेल्दी फैट पाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बूस्ट करने में, और इससे हमारा हार्ट हेल्थ अच्छा रहता है और दूसरे भी जो भी हार्ट के इश्यूज़ हैं वो आने नहीं देता। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, स्ट्रेंथेंस इम्यून सिस्टम। घी में काफ़ी मात्रा में ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि हमारे बॉडी को हेल्प करता है टी सेल्स प्रोड्यूस करने में। टी सेल्स इट्स अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, तो जो हमको हमारे बॉडी को अलग अलग बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ब्रेन डेवलपमेंट। घी कैसे हेल्प करता है ब्रेन डेवलपमेंट में? घी में काफ़ी अच्छी मात्रा होती है ओमेगा 3 की, जिसके वजह से जो ये ओमेगा 3 है वो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल है। इसी वजह से घी इज़ गुड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, स्ट्रेंथेंस बोन्स। जैसे कि घी में हमें पता है विटामिन के पाया जाता है, तो जो विटामिन के होता है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में काफ़ी हेल्प करता है, तो जिसके वजह से हमारे बोन का जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो अगर हम घी का इंटेक रखते हैं तो हमारे बोन्स के कोई भी इश्यूज आने नहीं पाते। नेक्स्ट पॉइंट है, घी आल्सो हेल्प्स इन वेट लॉस। क्या होता है, घी में इतने अच्छे गुड फैट्स जो पाए जाते हैं वो क्या होता है, दूसरे जो फैट्स होते हैं हमारे बॉडी में उसको बर्न करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और घी से हमारा मेटाबॉलिज्म रेट जो है काफ़ी फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी वेट लॉस होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, घी हैज़ अ हाई स्मोक पॉइंट। घी हैज़ अ हाई स्मोक पॉइंट मतलब घी को हम हाई टेम्परेचर में भी अगर रखते हैं तो भी उसमें से फ्री रेडिकल्स रिलीज़ नहीं होते। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये वही चीज़ें हैं ये जो हमारे बॉडी में जाने के बाद हमको बहुत सारी बीमारियां पैदा करती हैं, जैसे कैंसर है और एजिंग जल्दी होना या फिर और भी दूसरी बीमारियां हैं। ये सारे का एक ही रीज़न आ जाता है, वो है फ्री रेडिकल्स। तो ये जो अपना घी होता है इसका हाई स्मोक पॉइंट होने की वजह से इसको हम डीप फ्राई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मीडियम कुक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ये बहुत अच्छी चीज़ है घी कि हम उसको तड़के में यूज़ कर लें या फिर उसे डीप फ्राई कर लें या फिर नॉर्मल करी बना लें। हर चीज़ में फ़ायदा है कि इसमें फ्री रेडिकल्स रिलीज़ नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी कैंसर। घी में ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि एंटी कैंसर होता है। उसके अलावा घी में एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है जो घी को एंटी इन्फ्लामेटरी बनाता है। ये रहे घी के कुछ फ़ायदे जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। आपको इसमें से कौन सा फ़ायदा सबसे अच्छा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, ईट हेल्दी एंड बी हेल्दी।